हाय, मैं हूँ सुप्रीपाल। आपको हम लोग का नया जो रजिस्टर का क्लासेस चल रहा है, इस पे स्वागत करता हूँ। और चलिए देखता हूँ कि रजिस्टर क्या है। जो रजिस्टर है, इसको जानने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये कितने टाइप का रहता है। दो टाइप का रजिस्टर रहता है बेसिकली, वन इज पीटीएच टाइप एंड अनदर वन इज एसएमडी टाइप। तो हम लोग देखेंगे कि ये पीटीएच टाइप क्या है और ये एसएमडी टाइप क्या है। जो पीटीएस टाइप होता है उसमें होल रहता है सर्किट बोर्ड में, और जो एसएमडी टाइप रहता है उसमें सर्किट के ऊपर माउंटेड किया जाता है। तो ये दो तरीके की होता है आपके पास रजिस्टर। हम लोग थोड़ा स्पीडी चलेंगे ताकि ये यूट्यूब में पूरा जो कोर्सेस है लगभग लगभग इसको कवर अप करे किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है उसका सिंबल क्या रहेगा, सर्किट का स्केमेटिक डायग्राम पे या किसी भी तरीके की कोई भी सर्किट हमको रीड करना है तो उसमें सिंबल कैसे मिलेगा इसका। तो ये जो सिंबल रहता है इसमें पहले तो क्या रहता है, वो आर से डिनोटेड रहता है, यानी आर लिखा रहता है। और दूसरा इसमें एक जिगजैग लाइन हो जाता है, जो जिगजैग तरीके की एक क्रॉसओवर लाइन रहता है। इसको देख के ही हम लोग समझ जाते हैं कि ये रजिस्टर है। नेक्स्ट आते हैं हम रजिस्टर का यूजेस क्या है। तो अगर यूजर्स को देखा जाए तो बहुत सारे यूजर्स हैं इसमें। हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे ताकि ये वीडियो लेंथी ना हो। हम लोग सिर्फ दो ही रजिस्टर का यूजर्स को डिस्क्राइब करते हैं। पहला, ये रिड्यूस करंट। इट्स रिड्यूस करंट, ये करंट को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा, टू रिड्यूस वोल्टेज। तो रिड्यूस करंट के लिए जो हम लोग यूज करेंगे सर्किट होगा पैरेलल टाइप, और जो वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए करेंगे तो वो होगा हम लोगों का जो रहता है ये सीरीज टाइप। तो ये दोनों चीज के लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। गूगल पे जाइए, रिसर्च कीजिए। अगर आपको थोड़ा डेप्थ में और नॉलेज चाहिए तो हम लोगों के साथ जोड़ सकते हैं। हम लोगों का कोर्स है बेसिक टू अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें आपको बेसिक से लेके कैसे अप्लाई होता है ये सर्किट पे पूरा डिटेल्स समझाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जो हम लोगों का ये सर्किट है, तो इसको अभी दो तरीके की सर्किट हुआ है। करंट को रिड्यूस करना है तो पैरेलली हम लोग यूज करेंगे, वोल्टेज को रिड्यूस करना है तो रिड्यूस करने के लिए वोल्टेज डिवाइडर जो कॉमनली यूज होता है तो ये सीरीज में रहता है। तो ये हो गया दो। इसके अलावा आरसी सर्किट रहता है और अलग अलग किस्म का रहता है, आप गूगल में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट होता है उसका कैलकुलेशन। कोई भी रजिस्टर का वैल्यू को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला आने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किस प्रकार का कंपोनेंट है। अगर ये पीटीएस टाइप रजिस्टर होता है तो इसमें कलर कोडिंग रहेगा। जो आप पिक्चर में अगर देखेंगे तो इसमें कलर बैंड वाइज कलर रहता है, और उसको लेके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अगर ये एसएमडी टाइप रहता है तो उस केस में क्या होगा, इसके ऊपर नोटेड रहेगा। यानी अगर आप देखेंगे तो ये जो कैपेसिटर या सॉरी रेजिस्टर रहता है उसके ऊपर 1 2 3 4, 3 1 2, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ऐसा कुछ डिजिट नोट रहेगा जिससे आप उसका वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये प्रोसेस हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पिन टू पॉइंट प्रैक्टिकल वीडियो देना है मेरा मकसद। तो आप गूगल में जाइए, सर्च कीजिए, इंटरनेट में उसका पूरा भरपूर नॉलेज दिया गया है, आप उसको देखिए। और अगर आपको थोड़ा और भी नॉलेज चाहिए इस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर तो मेरे साथ जुड़िए। हम लोगों का पेड कोर्स चलता है जो लाइव जूम पे आता है, या फिर ऐसे भी होता है कि सेल्फ लर्निंग वीडियो मोड भी रहता है। आप जो भी है आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, परचेज कर सकते हैं और आप इससे और भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं इसको टेस्ट कैसे करेंगे। हाउ कैन वी टेस्ट ए रेजिस्टर, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हेन एवर यू आर गोइंग टू सर्विस एनीथिंग। आपको जब सर्विस करना है तो आपको यही देखना है कि हम लोग इसको पता कैसे करें ये वर्किंग है कि नहीं। तो पता करने के लिए आपको जो चीज करना पड़ेगा वो चीज है, आपको पहले तो ये रजिस्टर को सर्किट से निकालना पड़ेगा, यानी क्लोज सर्किट जो होता है इसको ओपन सर्किट कर देना पड़ेगा। और ओपन सर्किट करने के बाद ही आपको कोल्ड मोड में, यानी कोई वोल्टेज दिए बिना ही आपको
इसको चेक करना है। तो इसमें क्या रहता है, जो इमेज पे आपको दिखाई दे रहा है उस प्रकार से अगर रजिस्टर का एक पिन आप सर्किट से रिमूव कर देते हैं तो भी यह क्लोज सर्किट से ओपन सर्किट हो जाता है, और इसके बाद आपको इसको डिजिटल मल्टीमीटर या एनालॉग मल्टीमीटर जो आपका सुटेबल लगे उससे आप आसानी से उसको चेक कर सकते हैं। तो हम लोग एक बार प्रैक्टिकली इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। प्रैक्टिकली समझने के लिए ये जो वीडियो हम लोग रेफरेंस के लिए लिए हुए हैं ये यूट्यूब से लिया हुआ है और ये आपको हेल्प करेगा प्रैक्टिकली समझने के लिए। तो ये वीडियो का टोटल क्रेडिट गोज टू यूट्यूब। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पहले हम लोग इसका एक पिन को निकाल देंगे सर्किट से, उसके बाद एस पर जो कैलकुलेशन फॉर्मूला आपने रिसर्च किया है या हमसे जाना है या गूगल से आपको मिला है या कलर बैंड का जो इमेज आपके पास है उससे आपको मिला है, उस तरीके से आप उसका निकाल लीजिए कितना वैल्यू का ये रजिस्टर है ये आपको कैलकुलेट करना है, और उसके बाद जितना वैल्यू का आपको मिला है उस हिसाब से आपका मीटर रेंज को सेट कीजिए। कैसे सेट करना है अगर आपको मालूम नहीं है तो हम लोग से जुड़ सकते हैं या गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सेट करने के बाद आप इसको टेस्ट कीजिए, अगर सेम वैल्यू मिलता है प्लस माइनस कुछ टॉलरेंस रहेगा नियरेस्ट वैल्यू आपको मिल जाता है तो इसका मतलब है आपका रजिस्टर ओके है, और अगर कोई भी वोल्टेज आपको नहीं मिल सॉरी कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका रजिस्टर खराब है। कभी कभी इस तरीके की भी केस आता है कि उसका वैल्यू ज़्यादा दिखा रहा है, वैल्यू तो दिखा रहा है बट ज़्यादा दिखा रहा है तो हम लोग इसको कहते हैं कि वैल्यू शिफ्ट हो गए है। तो ये लगभग लगभग टेस्टिंग प्रोसीड्योर है, आपको इसको प्रैक्टिस में लाना है। अगर आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो आसानी से आप कोई भी रजिस्टर को आप डायग्नोस कर पाएंगे कि ये वर्किंग है कि नहीं, और इसके लिए आप रिसर्च कीजिए, यूट्यूब पे देखिए, गूगल पे देखिए या और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं, आप उस पर जाइए। थैंक यू, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।